हेलो एवरीवन, इट्स सेवियंस। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर और कुछ और इवेंट्स जो होने बाकी है उन सब को लेकर। जैसा कि हमें पता है कि रिज़ल्ट अपना डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है और साथ ही जो अपना फाइनल स्कोर कार्ड आता है वो भी रिलीज़ नहीं हुआ है। अभी जो स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ, जैसा कि हम ये देख सकते हैं, इस रिज़ल्ट जो अपना स्कोर कार्ड है इसमें नीचे दो ऑप्शंस जो है, नीचे दो चीज़ें खाली दी गई इसमें, एक रिज़ल्ट को एक रैंक को। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर रिज़ल्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। ये जो रिलीज़ हुआ है ये अपना स्कोर कार्ड है परसेंटाइल में। जब आपका फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा तो यहाँ पर आपका रिज़ल्ट मेंशन होगा, जो कि आपने LS क्वालिफाई किया या JRF क्वालिफाई किया, और साथ में आपकी रैंक भी मेंशन होगी। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी अपना रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट कट ऑफ, फाइनल आंसर की आनी अभी बाकी है, जो कि अभी आगामी दिनों में नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक के स्टार्टिंग में रिलीज़ कर दी जाएगी। अभी कुछ डेटा जो है इस रिज़ल्ट के साथ अटैच करके, इस रिज़ल्ट वाले नोटिफिकेशन के साथ अटैच करके NTA ने दिया है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव रहेगा ये हमारे लिए। सबसे पहले जो कुछ समरी दी गई है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने फॉर्म्स टोटल आए हैं, कितने लोग एडमिट हुए हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो अपन बात करेंगे लाइफ साइंस को लेकर। लाइफ साइंस का एग्ज़ाम हमें पता है कि दो शिफ्ट में हुआ था, 17 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल लगभग 41,000 मॉर्निंग में भी रहे, लगभग 41,000 इवनिंग में भी रहे, लेकिन अपीयर जो है वो 32,000 मॉर्निंग में, 30,000 इवनिंग में। साथ ही अपन दूसरी अपन देखें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखें लाइफ साइंस का, तो लगभग 30,000 जनरल फॉर्म्स आए, OBC के 27,000, जो कि इस बार बढ़े हैं 2020 को लेकर अपन देखें तो। EWS में घटे हैं और टोटल हम देख सकते हैं कि 83,000 कुछ फॉर्म आए हैं। ये वो है कि जो टोटल लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि जेंडर वाइज कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं लाइफ साइंस में देखेंगे अपन। तो लाइफ साइंस में मेल्स का नंबर यहाँ अपन देख रहे हैं कि 26,000 फॉर्म टोटल भरे गए हैं मेल्स, और 57,000 फीमेल्स, जो कि बड़ा नंबर है, डबल लगभग। फिर अपन बात कर रहे हैं कैटेगरी वाइज जो कि अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। तो लाइफ साइंस में अगर जनरल की बात करें तो 23,000, OBC की 21,000 जो कि बढ़े हैं, EWS में घटे हैं 3,519 लोग ही थे, और टोटल जो है 62,655 लोग रहे हैं। यहाँ पर अगर जेंडर की बात करें मेल फीमेल्स की, तो 20,000 लगभग मेल रहे हैं और लगभग 44,000 जो है फीमेल्स रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद में ये ब्रेकअप दे रखा है कि कितने लोगों ने JRF के लिए अपीयर फॉर्म भरा है, कितने ने जो है LS के लिए भरा है। टोटल 83,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं एक बार कि कितने लोग अपीयर हुए हैं कैटेगरी कौन सी, JRF के लिए या फिर LS के लिए। तो ये टोटल 62,000 लोग अपन स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। दूसरा यहाँ पे एक और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो अपन को क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए या क्लेम करने के लिए जो टाइम दिया गया था, और जिस टाइम में हमने क्लेम किया उन सबको रिवाइज कर दिया गया है, उन सबको एक्सपर्ट ने रिव्यू कर दिया है, उसके बाद ही अपना जो है फाइनल स्कोर कार्ड बना है, और वो जो फाइनल आंसर की है वो भी जल्द रिलीज़ कर दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच।